था भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास करके, लेकिन जब मुझे कल पता चला हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है मनीष सालिया जैसे कि लगभग 256 दिनों से हमारे कश्मीर पंडित भाई धरने पर गए, तो मैंने कहा कि पहले हम वहाँ जाते उसके बाद जाते। महाराष्ट्र का खास करके शिवसेना के साथ उनका एक रिश्ता है, जब बालासाहेब ठाकरे थे तो जब पूरे देश में उनकी समस्या कोई नहीं समझ रहा था, क्या उनका आक्रोश है, तो बालासाहेब ठाकरे ऐसे पहले नेता थे जो कश्मीरी पंडितों के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे और दिल के दरवाजे खोले। आप आइए महाराष्ट्र में, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, उनके लिए मेडिकल इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन रखा, तो उस नाते आज भी वो सभी लोग बालासाहेब ठाकरे को मानते हैं, उनके लिए आज भी वो दुआ करते हैं। मैं देख रहा था, मैंने उनके पास पार्लियामेंट में मुद्दा तो उठेगा, हम सब उठाएंगे, लेकिन हर मंच पर उनकी समस्या को हम आवाज़ उठाकर उनको सामने रखेंगे। उनकी मांग ज़्यादा नहीं है, बड़ी है, बड़ी नहीं है, क्या है, आज भी ये सभी हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई है वो कश्मीर वैली में जाने से डर रहे हैं, टारगेट किलिंग चल रही है, तो उनको यहाँ जो सरकारी नौकर है सरकार से मांग है कि हमको यहाँ ही एडजस्ट कर लो, रिलोकेट कर लीजिए। इतनी छोटी सी बात है, जिस कश्मीरी पंडितों के नाम पर आपने 2014 का चुनाव लड़ा है, घर वापसी का नाम दिया था, तो कितने घर वापसी थे और घर वापस जाने के बाद कितने की किलिंग हो गई उसका हिसाब पूछना पड़ेगा। 370 हटने के बाद ये कहते हैं कि हालात ठीक हैं कश्मीर में, तो हालात अगर ठीक है तो हमारे पंडित भाई के आपने घरदार छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं, वो भी आपने घर जाना चाहते हैं, हालात ठीक है तो आज भी टारगेट किलिंग क्यों हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो कल जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इसमें आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए, हम तो राहुल गांधी और उनकी यात्रा का जो मकसद है नफरत मिटाने का, देश उसको समर्थन देना है, और मैं ये मानता हूँ ये राजनीति से ऊपर देख कर लिखना चाहिए। एक नेता चाहे कांग्रेस का, पूरे देश में 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर नफरत मिटाने की बात करता है और हर राज्य में उनको बड़ी मात्रा में समर्थन मिलता है, उसका मतलब समझ जाना चाहिए। सर, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं, शिवसेना अपना अपने चुनाव लड़ेंगे। मैं कश्मीर में तो जाता आता रहता हूँ, लेकिन जम्मू में पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ का माहौल देखा, हम लोग हमारे लोग यहाँ अच्छा काम करें, और मुझे लगता है हम जम्मू में